दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंग हाई प्रॉब्लम के बारे में। बहुत सारे प्लेयर के साथ एक ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि जब भी अपने फ्री फायर गेम के अंदर किसी भी मोड को खेल रहे होते हैं, गेम के अंदर उनका पिंग नॉर्मल होते हुए भी उनका गेम सही से नहीं चल रहा है। उनको लग रहा है कि पिंग हमारा हाई है, लेकिन असल में पिंग नॉर्मल ही होता है। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है अगर आपके फ्री फायर गेम के अंदर, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिसको आप यूज करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। ओके, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल बनने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, न्यूज सेक्शन के अंदर एक नोटिस निकाला गया है, इम्प्रूवमेंट पिंग इशू। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है पिंग इशू के बारे में कि कैसे आप लोग इस समस्या को जो है दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बोला गया है कि जब भी आपको अपने फ्री फायर गेम के अंदर ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आप इसलिए जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपील कर सकते हैं। ओके, आपके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है क्या क्या करना है और कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का, उस लिंक पर जाना है और जाने के बाद आपको जो है एक वेबसाइट देखने को मिलेगा रेगुलर अपडेट के नाम से। तो आपको जो है सिंपली सर्च बार पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो है सर्च बार में टाइप करना है पिंग प्रॉब्लम इशू। इस पर टाइप करके आपको जो है सर्च करना है, और जस्ट आप सर्च करेंगे आपके सामने एक पोस्ट देखने को मिलेगा जिसका इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं। इस पोस्ट के आपको जो है टाइटल पर क्लिक करना है, जो टाइटल है इस पर आपको क्लिक करना है। जस्ट आप क्लिक करेंगे, हो सकता है कि आपको जो है ऐड देखने को मिले, तो आपको जो है बैक जाना है, फिर से आपको टाइटल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है एक नया पेज देखने को मिलेगा, पेज के आपको जो है सबसे नीचे की तरफ आना है, सबसे नीचे में आना है, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डाउनलोड पर क्लिक करना है। जस्ट आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिस पर जो है आपसे भी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन को सिंपली कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा डियर फ्री फायर, तो यहाँ पर आपको जो है इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो है सिंपली अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करना है, तो आपको जो है सिंपली अपने फ्री फायर गेम के अंदर आना है, उसके बाद सबसे पहले आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है। आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपको जो है अपना प्रोफाइल को ओपन करना है। उसी प्रकार से प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपको जो है किसी भी गेम को स्टार्ट कर लेना है जिस गेम के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और गेम के स्टार्ट होने के बाद आपको जो है सबसे पहले मैप पर क्लिक करके मैप शो कर देना है कि आप कौन से मैप में खेल रहे हैं। उसके बाद आपको जो है जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है उस पार्ट को जो है आपको रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए आप किल करने में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो उस पार्ट को आपको रिकॉर्ड कर लेना है, या किसी भी लूट को आपको लूटने में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आपको जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपका जो है यहाँ पर 60-70% काम कंप्लीट हुआ। अब आपको जो है 1-2 मिनट का वर्क करना है, वो है अपील। अपील कैसे करना है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, रिक्वेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो फ्री फायर की सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन कस्टमर सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। और जस्ट आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल टाइप का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ सोशल टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं फेसबुक, गूगल, ट्विटर, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो आपका फ्री फायर अकाउंट जिस भी सोशल मीडिया से है, फेसबुक, गूगल या ट्विटर, उस पर आपको क्लिक करके लॉग इन कर लेना है अपने मेन फ्री फायर अकाउंट को। ओके, यहाँ पर मेरा गूगल से है, तो मैं सिंपली गूगल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सिंपली अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लॉगिन कर देंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप सभी का यूजर नेम, तो यूजर नेम पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगा सबमिट ए रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जस्ट आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन खाली स्थान, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है लास्ट में देखने को मिलेगा एक ऑप्शन बग रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जस्ट आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स। तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली अपने फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स गेम को सेलेक्ट कर लेना है, यानी जिस गेम के अंदर आप सभी को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है पिंग इशू, उसी गेम को आपको चाहे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी के टाइम पर फ्री फायर ही खेलता हूँ, तो मैं फ्री फायर ही सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डू यू हैव ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको जो है सिंपली जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कॉपी करवाया है उसी डिस्क्रिप्शन को जो है आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन को अपना पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दो ऑप्शन, यूजर आईडी इज और एक यूजर नेम। ओके,
यहाँ पर आपको जो है जो यूजर आईडी इसके बाद पोस्ट है और डॉट है इसको आपको जो है कट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर आपको जो है अपना यूजर आईडी डाल देना है, जो भी आपका यूजर आईडी है। तो मेरा है 1837, उसके बाद 10, उसके बाद 24 और उसके बाद 6262। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन माई यूजर नेम। यहाँ पर आपका जो भी नेम है वही आपको नाम डालना है गेम के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर में अकाउंट निक नेम, इसको आपको जो है सिंपली कॉपी कर लेना है। जो भी है सेम टू सेम आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली जो है आपको वहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो है सिंपली स्क्रीनशॉट और वीडियो ऑफ बग इस पर आपको टिक कर देना है और प्राइवेसी पॉलिसी पर भी टिक कर देना है। उसके बाद ऐड फाइल और ड्रॉप फाइल हियर पर क्लिक करना है। जस्ट आप क्लिक करने के यहाँ पर आपसे फाइल का परमिशन मांगेगा, फाइल का परमिशन आपको दे देना है। यहाँ पर आपको जो है जहाँ पर भी आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो है लगा देना है। यहाँ पर मैं सिंपली अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मैंने पिंग इशू का स्क्रीन रिकॉर्ड किया है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लगा दिया है। उसके बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सबमिट हो रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये जो है वीडियो अपलोड हो रहा है, जो गैरेना का साइट है वहाँ पर जो है आप सभी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड हो रहा है। तो अपलोड होने के बाद आपको जो है सबमिट कर देना है। यहाँ सबमिट करने के बाद आपको जो यहाँ पर जब तक ये अपलोड नहीं होता है आपको जो है रुकना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो है रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको जो है 24 से 48 घंटे वेट करना है, उसके बाद आपका जो है प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप जो है अपने रिक्वेस्ट का जो है स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है माई रिक्वेस्ट पर जाना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप सभी का रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, मैंने पहले भी एक रिक्वेस्ट किया था, कलेक्शन मेल्टिंग का जो प्रॉब्लम आया था इवेंट वाला, वो मैंने आप रिक्वेस्ट किया था एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्यू सेकेंड यानी कुछ सेकेंड पहले मैंने एक और प्रॉब्लम को जो रिक्वेस्ट सबमिट किया है। ओके, तो दोस्तों आप इसी प्रकार से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। और ये गैरेना खुद बताया कि आपको जो है रिक्वेस्ट करना है तब आपका जो है प्रॉब्लम फिक्स हो पाएगा, क्योंकि अभी के समय पर जो है बहुत सारे सर्वर को इंडिया के साथ कनेक्ट किया गया है, इंडिया सर्वर के साथ, इसके कारण जो है बहुत सारे ग्लिच और प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। तो आप जो है वेट कीजिए, आपका जो है प्रॉब्लम इजीली ठीक हो जाएगा अगर आप इस प्रोसेस को कर दिए तो। ओके, चलिए फिर मिलता हूँ किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो पर लगभग 100 कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आप लोग 100 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम।